अस्सलामुअलैकुम जी, आज हमारे दोस्त सलमान की बारात है, तो मेहंदी आपको दिखाई है, तो अब बारात आपको दिखाते हैं। जा रहे हैं हम उसकी बारात में, और अली भाई भी हमारे साथ हैं, और ये साथ हमारे दोस्त हैं जाम साहब, और ये गाड़ियां लगी हुई हैं। सलमान के बारात जाएगी, बस भी है, ये गाड़ी है, और अरशद को थोड़ा काम है दुकान पे, तो वो नहीं आ सकता, तो बाकी हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे आगे। क्या हो सामा भाई, अभी तक सलमान भाई आया नहीं, हम आधा घंटा हो गया तैयार होकर आगे खड़ गए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, इधर उधर कोई भी नहीं आया अभी तक। सलमान भाई आ रहा है, उसकी सेराबंदी हो रही थी, और ढोल ढंड ढंड की आवाज़ काल की थी, हमने पूछा कि कहाँ पे पहुँचे हो, कहाँ पे नहीं, उसकी आवाज़ नहीं आई थी, पीछे ढोल की आवाज़ आ रही थी, अब पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे साथ ईदगाह भी है, इधर एक मैयत भी आई हुई है, इधर से ढोल भी, अल्लाह बस कहीं खुशियाँ कहीं गमी है। यार देख लो सलमान की जाती, घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉल उठा भी रहा है, बात भी कर रहा है, बस दो मिनट आ रहा हूँ, बस पाँच मिनट, बस निकल आए घर से, ये कहना है उसका, और घंटा हो गया, हम ये जलील हो गए हैं, तब से यहीं खड़े हैं। ये पसीना चेक करें यार, गर्मी इतनी हो रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन पसीना आया हुआ है मेरे चेहरे पे, बैठे नहीं है तब से, हम खड़े ही हैं उसके इंतज़ार में, आए तो दिन है अभी उसका, आज दिन चल रहा है, चला ले, कब तक खैर मनाएगी बकरे की माँ। ढोल की आवाज आ रही है, लगता है सलमान भाई की बारात आने वाली है, साथ ही गली है वहाँ पे पहुँचाए हैं, पर अब पैदल चल के आ रहे हैं, आके अपनी कार में बैठेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको वो भी थोड़ा करीब आ जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक हो, आ रही है, ये देख रहे हैं सलमान भाई आ गई है, कॉल आ रही है, शुक्र है कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, असा बाहर खड़े था, किथा गए बसा खड़े, अच्छा आया आया सामने आ गया, ये सलमान भाई की कॉल आई है, और वो कहते हैं कि मेरे पास आओ, तो हम जा रहे हैं उसके पास। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं। वालेकुम सलाम, आओ जी आओ जी, आओ सोना, ठीक हो सही, पहुंचे सलमान जी, सलमान भाई की गाड़ी भी सजी है, और सलमान भाई की ये मोहब्बत है दोस्तों में, ये देखें जी, आज हमारा दोस्त कुर्बानी देने जा रहा है, अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल करे। अरशद की शॉप है, अरशद को छुट्टी नहीं मिली, वो बैठा हुआ है अरशद, ये देख रहे हैं आप, और हम जा रहे हैं, तो उसे छुट्टी नहीं दी।
सलमान ठीक है वाला सब इजाजत दियो अभी यार वेट करो मैं यार। हां the next day अस्सलाम वालेकुम जी, आज सलमान भाई की वलीमा की दावत है तो वहां चल रहे हैं, आज वलीमा पार्टी है। और तो यार काफी लेट हो गए हैं हमारे दोस्त अरशद, बहुत ज्यादा लेट हैं, बहुत ही ज्यादा लेट। आज कपड़े भी न्यू पहने हुए हैं, रंगीला बना हुआ है जनाब। ये जो सी शलवार इसने पहनी हुई है, हमने पहले कपड़े लिए थे उसकी शलवार पहनी हुई है, कमीज नया शलवार। अरशद भाई को देखें क्रीम लगा कर आज मुंह को रगड़ रहा है, और ये देखें कितना वाइट हो गया यार। हम जा रहे हैं, सलमान की 4-5 दफ़ा कॉल आ चुकी है कि कहाँ रह गए हो, सब कुछ तैयार है और हम ही लेट हैं। बचपना याद दिला ये हम गली। हम इधर से ना मस्जिद में जाते थे और दरवाजे खटखटाते हुए जाते थे, शरारते करते हुए। स्कूल से मैं भागा था ना इसी गली से यार हमेशा। अच्छा, ये देखना किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये कौन सी गली में आएगा बच्चा, कौन सी गली में जाएगा। ये सारा मतलब जितना पढ़ा है ना स्कूल में भागता रहा, पढ़ा तो है ना, इसीलिए हम इसे 5वीं पास कहते हैं। और वैसे इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास डिग्री भी 5वीं पास की है, 5वीं पास की डिग्री। और ये अली भाई हमारे FSC 12 पास हैं, और मैं ठहरा इंजीनियर, वेला इंजीनियर, कोई काम है नहीं वैसे इंजीनियर। मेरा सुन के अरशद भाई भाग गए पीछे, पीछे कैमरा दिखाए। हेलो अरशद भाई, आ जाओ 5वीं फेल हूँ मैं भी, आ जा अरशद भाई आ गया। देखा मैंने अपना नाम कहा ना 5वीं फेल, तो देखो खुश होके आ रहे हैं, वो 5वीं पास है, ये 5वीं फेल है और वो 5वीं पास है, इसलिए वो खुश हो गया यार। चलो मैं कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा उससे, तुम बोल रहे हो FSC पास है यार, बड़े दुख की बात है। उस दिन की बोतल पिया, मेरा तलवा सारा खराब हो गया।